कांग्रेस नेता फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने सिंधिया और उनके समर्थकों पर साधा निशाना। राज बब्बर ने ग्वालियर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के लिए सभा की। राज बब्बर ने सिंधिया और ऊर्जा मंत्री पर साधा निशाना। बता दें कि ग्वालियर में कांग्रेस नेता एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जमकर सिंधिया पर निशाना साधा। के लिए आपसे हाथ के पंजे पर बदल दबाने की अपील करने के लिए दोस्तों, कौन कहा गया, किसने कितने में बिका, कितने में किसको खरीदा, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। भैया ना भैया कहना चाहूंगा कि कम से कम हवा के रुख को जो नहीं पहचानता, उस शख्स आने वाले कल को जो है नकारने का काम करता। यह तय है कि आज की तारीख हम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग आपको इस बात की गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह की हवा है, जिस तरह के तमाम बाजार जो है फैसला करते हैं, और जब ये बात फैली ही है और सुनील शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, और हमारा भाई देवेंद्र शर्मा उसके साथ में ये कहकर कि ये मेरा छोटे भाई की तरीके से यहाँ पर है, कमलनाथ जी ने ये भरोसा आपके बिहाफ पे कि यहाँ की जनता जो फैसला करेगी वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में होगा, ये बात उन्होंने विश्वास करके सुनील शर्मा को आपके पास में भेजा है। बात जीत हार की नहीं है, बात आपके भरोसे और यकीन की है, और मुझे उम्मीद है पैसे देने का ऐलान कर दिया। नारी सम्मान की बात की, अब एक अरे हमारी बहन को मिले हमें खुशी, अगर हमारी भाभी को मिले तो हमें उसकी और ज्यादा खुशी, और अरे हमारी अम्मा को मिले तो और भी ज्यादा खुशी। तो जब सबको ही मिल रहा है तो फिर वो लाडली बहना के नाम पर आपको क्यों बहका रहे हैं, वो क्यों बहका रहे हैं कि आपको 500 रुपए में जब सिलेंडर मिलेगा गैस का, तो उनकी तरह से सिलेंडर लेने के बाद में सिलेंडर बाहर फेंकने का जी नहीं करेगा। जब आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए केजी से आगे तक पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, तो क्यों आप लोग नहीं अपने यहां कांग्रेस सरकार बनवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि भाई सुनील शर्मा की इस मोहब्बत भरी, इसकी मुस्कुराहट जो है, इस मुस्कुराहट को आप जिंदा रखेंगे।